bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum dear students today we are going to discuss the first year biology topic uh, the technique which are used in the cell biology the one of them is the micrometer micrometry so as the word indicate micro micro mean very small in size so those objects which cannot be seen with the naked eye so we can measure their real size with the help of microscope so this type of measurement in which we uh, measure the real size of object organelle, cell and even the माइक्रो ऑर्गेनिजम अंडर द माइक्रोस्कोप बाई यूजिंग द माइक्रोस्कोप सो दिस टेक्निक इज नोन एज माइक्रोमीट्री सो द स्केल विच इज़ यूज इन दिस टेक्निक इज नोन एज माइक्रोमीटर स्केल सो द मजरमेंट इज़ इन माइक्रोमीटर्स राइट सो हेयर वी हैव शोन द माइक्रोस्कोप पार्ट आई पीस ऑब्जेक्टिव एंड स्टेज सो आई पीस हमारे पास ये क्या इस यहाँ भी एक लेंस लगा होता है और इसके बाद ऑब्जेक्टिव पीसेज जो हैं यहाँ भी हमारे पास लेंसेज हैं सो so, आई में यहाँ माइक्रोमीटर हमने फिक्स uh, किया होता है एक ट्रांसपेरेंट uh, स्केल uh, होता है जिसको हम कहते हैं आई माइक्रोमीटर एंड इसी तरह स्टेज जो है इसके ऊपर भी हमने एक स्केल रखा होता है इसको कहते हैं माइक्रोमीटर स्केल सो यहाँ हमने शो किया है सो so, आई के ऊपर जो uh, हमारे पास आई में हम जो स्केल रखते हैं उसके ऊपर डिवीजन होती है ज़ीरो टू हंड्रेड राइट इनके अंदर ये जो लाइन्स हमने दिखाई दी हैं इनको हम कहते हैं डिविजन्स सो so, इनका मेजर रोल है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर सो स्टेज माइक्रोमीटर में भी हमारे पास हंड्रेड डिविजन्स होती हैं सो द लेंथ ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर इज़ इधर वन मिलीमीटर और टेन मिलीमीटर और इवन हंड्रेड मिलीमीटर यानी ये जो स्टेज uh, माइक्रोमीटर है इसकी जो लेंथ होती है या तो वो वन होगी या टेन मिलीमीटर mm होगी या हंड्रेड मिलीमीटर mm होगी गाट एज नो ये जो स्टेज माइक्रोमीटर है इसकी ये जो डिविजन्स है ये हमें नॉन होती हैं ठीक है इसकी लेंथ हमें ये नोन है सो स्टेज माइक्रोमीटर इज़ नॉन एंड टू कले कैलेबरेट विद आई पीस माइक्रोमीटर तो हमने क्या करना है हमें आई पीस माइक्रोमीटर को मालूम करना है उसकी डिविजन्स को मालूम करना है राइट right? और उसकी कैलिब्रेशन करनी है यानी स्टेज का जो माइक्रोमीटर है इसको हमने आई के माइक्रोमीटर के साथ इसकी कैलिब्रेशन करनी है मीन इनके स्केल्स आपस में मैच करेंगे देन हम जो है आ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अंडर माइक्रोस्कोप जो है उस का साइज़ मैर कर सकते हैं सो वी नीड टू फिक्स आई पीस माइक्रोमीटर इन आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड देन हमने उसकी हर डिवीजन की जो लेंथ है वो मैयर करनी है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास स्केल uh, है स्केल माइक्रोमीटर सो इसके अंदर ये जो ब्लू लाइन से शो हो रही है ये इनकी डिविजन्स हैं ठीक है सो so इन डिविजन्स की मैयरमेंट हमने करनी है जैसे ये आई पीस है इसकी डिविजन्स हमने मैयर करनी है, क्योंकि स्टेज वाले की तो हमें नॉन है तो हमें मालूम करनी है आई पीस तो इस आई पीस वाले को हमने कैलिब्रेट करना है स्टेज माइक्रोमीटर के साथ टू फाइंड आउट द रियल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट नाउ यहां हमारे पास ओके okay जी नाउ दिस स्टेज स्केल हमने स्टेज स्केल को इस तरह अब ड्रॉ कर दिया आपके सामने सो so, इसकी लेंथ हमने वन मिलीमीटर mm, ये टेन 10, ये हंड्रेड mm होगी और ईच डिवीजन की जो है हमारे पास ये मौजूद है नाउ इफ लेंथ ऑफ द स्टेज स्केल जो है अगर वो वन मिलीमीटर है अगर हम वो स्केल यूज़ करते हैं जिसकी लेंथ uh, जो है वो वन मिलीमीटर है तो उसकी वन डिवीजन की लेंथ कितनी होगी पहले हमें ये मालूम करना है सो so, हमने एक एक डिवीज़न की मेजरमेंट uh, किया फाइंड आउट करना है कि उस एक एक जो डिवीजन है इसकी लेंथ कितनी है सो so, यहाँ हमारे पास स्केल के ऊपर देखिए टोटल हंड्रेड डिवीजन हैं ठीक है तो हंड्रेड डिवीज़न इज़ इक्वल टू वन मिलीमीटर क्योंकि इसकी लेंथ वन मिलीमीटर है तो 100 डिविजन्स इक्वल टू 1 मिलीमीटर mm है तो 1 डिवीजन जो है वो कितने मिलीमीटर के इक्वल होगा तो 1 इंटू वन डिवाइड बाई हंड्रेड राइट इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई हंड्रेड हमने करना है तो 1 डिवीजन की आपके पास मेजरमेंट आ जाएगी कि उसकी लेंथ क्या है 0.01 मिलीमीटर जीरो वन मिली राइट अब हमने क्या करना है कि एक डिवीजन की आ गई कि हमारे पास स्टेज पे जो ये डिवीज़न है इसकी एक डिवीजन की जो लेंथ है ठीक है वो है जीरो पॉइंट जीरो वन मिली मीटर नाव वी हैव टू कन्वर्ट मिली मीटर टू माइक्रोमीटर क्योंकि हमारे पास स्केल माइक्रोमीटर है हमने ऑर्गेनिज्म को माइक्रोमीटर में स्टडी करना है उसके साइज़ को तो अब हमने इस मिलीमीटर mm को कन्वर्ट करेंगे माइक्रोमीटर में सो वन मिलीमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड माइक्रोमीटर ये आपको पता होना चाहिए ठीक है सो वन मिलीमीटर में थाउजेंड मिली माइक्रोमीटर है तो आपके पास यहाँ जो हमने अभी फाइंड आउट किया कि वन डिवीजन इक्वल टू दिस माइक्रोमीटर uh, तो जब वन मिलीमीटर इक्वल टू थाउजेंड है तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन मिली कितने माइक्रोमीटर के इक्वल होगा कितने माइक्रोन्स के इक्वल होगा ठीक है सो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन मिली इज़ इक्वल टू इस ज़ीरो को आपने थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है एंड वन से डिवाइड कर देना है यहाँ से पॉइंट आपने रिमूव किया यहाँ वन लगा दिया और एक ज़ीरो इसके लिए और एक ज़ीरो इसके, इसके लिए ठीक है एंड ये मिलीमीटर इस मिलीमीटर से कैंसिल हो गया ये दो जीरो आपने इस थाउजेंड के टू जीरो के कैंसिल कर देना है राइट सो so, आपके पास वैल्यू क्या गई वन डिवीजन इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर एंड जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर इक्वल टू टेन माइक्रोमीटर। सो ये आपने ये आपको पता होना चाहिए कि वन मिलीमीटर इक्वल टू टेन रेज टू पावर माइनस थ्री माइक्रो में होता है टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स नाइनो है हमारे पास टेन रेज टू पावर माइनस नाइन है टेन रेज टू पावर माइनस टेन राइट अब हमने मालूम तो कर ली कि एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है कितनी इसकी लेंथ है उसकी थिकनेस वेथ कितनी है वो है टेन माइक्रोमीटर नौ अब हमने कैलिब्रेशन करनी है स्टेज स्केल की विद आई पीस के साथ अब हम कैलिब्रेशन क्यों करते हैं वाई वी नीड टू कैलिब्रेट ये क्वेश्चन आ सकता है ठीक है वाई वी नीड टू कैलिब्रेट बिकॉज वी हैव टू लेंसेस यहाँ हमारे पास जो अभी हमने आ, ये माइक्रोस्कोप का ये स्ट्रक्चर देखें इसके जो ये आई पीस है तो हमें कैलिब्रेशन की ज़रूरत क्यों है अब इसलिए कि यहाँ आई पीस में भी एक लेंस लगा है और यहाँ ऑब्जेक्टिव पीसेस में भी लेंस लगे हैं तो इनकी और इनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो डिफरेंट है ठीक है so, सो हमारे पास ये जो दो लेंसेज हैं सो so, आई पीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस सो वी एडजस्ट ऑब्जेक्टिव लेंसेज़ विद दी चॉइस तो हमारे पास ये चॉइस है ये तीन है ना ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव लेंसेज़ तो हम या तो अपनी इसके मुताबिक कि हमें कितना मैग्नीफाई करके ऑब्जेक्ट को देखना है आया हमने फोर्टी एक्स यानी फोर्टी टाइम बड़ा करके उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे ये टेन टाइम ठीक है या इतने हंड्रेड तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं ठीक है सो so, अब मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि फार्मूला होता है उसमें आई पीस लेंस इन ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन ऑफ आई पी लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस तो आई पी का मैग्निफिकेशन है आपके पास टेन एक्स और अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ये फोर्टी एक्स ठीक है तो फोर्टी एक्स का लिया तो टेन इंटू फोर्टी फोर हंड्रेड एक्स तो जो भी ऑब्जेक्ट हमने अंडर द माइक्रोस्कोप रखा है तो वो आपको कितना मैग्नीफाई करके देगा माइक्रोस्कोप फोर हंड्रेड टाइम एक्स अगर हम टेन एक्स ये वाला ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं अपने के ऊपर तो यहाँ ये टेन मल्टीप्लाई इंटू ये मल्टीप्लाई होगा इस टेन के साथ ये आपके पास हंड्रेड एक्स होगा अगर हम हंड्रेड एक्स ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं तो यहाँ आपके पास मैग्नीफिकेशन हो जाएगी थाउजेंड गॉट इट नाव ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए ताकि हमारे पास उसके मुताबिक कैलिब्रेशन होगी नाउ इट डिपेंड विच ऑब्जेक्टिव यू यूज़ फॉर मैग्नीफिकेशन सो कैलिब्रेशन वेरीज़ विद द मैग्नीफिकेशन तो जितनी मैग्नीफिकेशन होगी उसके हिसाब से कैलिब्रेशन भी होगी नाउ हमें पीछे पड़ा था कि वन डिवीज़न इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर एंड दैट इज़ इक्वल टू टेन माइक्रोन सो वी कैन सिंपली से दैट वन डिवीज़न इज इक्वल टू टेन माइक्रोमीटर राइट सो वन डिवीज़न अगर टेन माइक्रोमीटर के इक्वल है तो हंड्रेड डिविजन्स जो कि हमारे पास स्केल के ऊपर थी स्टेज स्केल के ऊपर हैं तो ये कितने की इक्वल होंगी तो टेन इंटू हंड्रेड इक्वल टू थाउजेंड माइक्रोमीटर क्लियर हो गया सो so यहाँ हमारे पास देखिए हंड्रेड डिविजन इक्वल टू थाउजेंड माइक्रोमीटर अब आपने क्या करना है ये आपके पास ये दो स्केल्स हमने स्टेज स्केल भी बता दिया और ये आपके पास आई स्केल है ठीक है अब आपने क्या करना है कि हम मैग्नीफिकेशन करना चाह रहे हैं अब इनकी कैलिब्रेशन हम कैसे करेंगे ठीक है तो अगर हम 40x लेते हैं जो अभी हमने पीछे डिटेल में पढ़ लिया कि अगर इफ़ यू मैग्नीफाई एट 40x ठीक है तो हमने स्टेज स्केल को जो है वो इक्वल टू फोर्टी ऑफ आई स्केल तो अब कैसे क्या मतलब हुआ इसका कि ये आपने आई में अपना स्केल को सेट कर दिया ठीक है ये आई का स्केल है उसके बाद नीचे जो आपने जहाँ वो जो स्टेज है वहाँ पे स्केल रखना है एंड देन एडजस्टमेंट करनी है और अगर आपने मैगनीफिकेशन फोर्टी एक्स रखा है कि आपने आई पीस फोर्टी ऑब्जेक्टिव पीस जो है वो फोर्टी रखा है सो फोर्टी मल्टीप्लाई टेन ऑफ आई पीस तो ये तकरीबन आपके पास फोर्टी हो जाता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें हमने यहाँ ये किया था ये टेन हमने आई पीस लिया एंड फोर्टी एक्स ये तो टोटल आपके पास क्या आ गया फोर हंड्रेड एक्स सो अब हमने इसमें क्या करना है कि पहले तो एडजस्टमेंट हमने कर ली आई पीस को एडजस्ट किया उसके अंदर स्केल लगा दिया एंड देन आपने स्टेज स्केल को एडजस्ट कर दिया अब इनकी कैलिब्रेशन आप इसको फिक्स देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास इसका जीरो ज़ीरो से मैच हो रहा है एंड इसकी हंड्रेड डिवीजन आपके पास आई पीस के किस रीडिंग पे आकर रुकती है कहाँ पे ये मैच कर रहा है राइट अब चूंकि हमने तो वन मिलीमीटर लेंथ लिया था इसलिए ये छोटा हमें दिखाई दे रहा है और ये आपके पास आई पीस का जो है स्केल जो बड़ा है ठीक है अब अगर टेन मिलीमीटर mm लेते हैं तो ये इससे बड़ा होगा इसके साइज़ का हो जाएगा ठीक है सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हो स्टेज वाला स्टेज स्केल अब आपने जब ये रख दिया अब इसकी कैलिब्रेशन की बारी है कैलिब्रेशन में आपने क्या करना है कि आई पीस को सेट करना है स्टेज के ऊपर जो स्केल है उसके साथ तो आप देखोगे कि ये जीरो इसके ज़ीरो के साथ मैच कर रहे हैं और इसकी हंड्रेड की रीडिंग कहाँ पे मैच कर रही है फॉर एग्जांपल आपने फोर्टी एक्स लिया ना तो वो यहाँ आके फोर्टी के साथ मैच करेगा ठीक है थीके? सो so, इसका मतलब है कि यहाँ 40 डिवीज़न इक्वल टू थाउजेंड माइक्रोमीटर यानी ये तो 100 डिवीज़न इक्वल टू थाउजेंड माइक्रोमीटर था ना तो यहाँ आपकी डिवीज़न कहाँ कितना कहाँ पे आकर रुकी 40 डिविजन्स ठीक है तो 40 डिवीज़न इक्वल टू थाउजेंड माइक्रोमीटर तो 40 डिविजन्स अगर माइक्रो फोट थाउजेंड माइक्रोमीटर के इक्वल है तो हमें इसकी एक डिवीज़न जो है इसको भी मैयर करना है ठीक है मेन चीज़ तो ये है ना आई पी स्केल अब स्टेज वाले को तो हम रिमूव कर देंगे ना हमने तो यहाँ कैलिब्रेशन के साथ इसको रखा क्योंकि ये तो फिक्स स्टेज है हमारे पास फिक्स स्केल uh, था तो फोर्टी हमने फोर्टी डिवीजन इक्वल टू थाउजेंड माइक्रोमीटर अब अगर आप यहाँ हंड्रेड लिखते हो तो हम लिखते हैं हंड्रेड डिवीज़न इक्वल टू थाउजेंड माइक्रोमीटर ठीक है और अगर थाउजेंड है थाउजेंड डिवीज़न इक्वल टू थाउजेंड राइट इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी डिवीज़न चूज़ की थी जो हमने ऊपर मैग्नीफिकेशन किया था फोटी एक्स जो हमने यूज़ किया था सो फोर्टी डिविजन्स दिस फोर्टी डिविजन इज ुलल टू थाउजेंड माइक्रो मीटर सो वन डिवीज़न वुड बी एक्ल टू थाउजेंड बाई फोर्टी ठीक है इक्ल टू ट्वेंटी फाइव माइक्रो मीटर आ जाएगा अब आपने मालूम कर दिया कि इसके एक डिविज़न की जो थिकनेस है ये लेंथ है वो है आपके पास ट्वेंटी फाइव माइक्रो मीटर ये जो कि आपका मेन मकसद था मालूम करना ठीक है अब आपने क्या करना है कि स्टेज जो स्केल है उसको रिमूव कर देना है एंड वहाँ पर आपने जो स्लाइड है वो रख देनी है जिसमें आपने जो भी ऑर्गेनिज्म है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामीशियम है यूगलना है या इवन सेल है कुछ भी जिसका आप रियल साइज़ मालूम करना चाहते हैं वो आपने रख देना है एंड आई पीस से जब आप देखेंगे तो वो स्केल तो आपके पास मैनेज हो चुका है ना तो देन आप देखोगे कि, कि किस किस डिवीजन पे इसका साइज़ है कितने डिवीज़न इसके साइज़ में आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर हम काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ टेन फॉर एग्जाम्पल ये टेन डिविजन्स में हमारे पास इसका जो साइज़ है वो आता है ठीक है तो अब इसको हम मालूम कैसे करेंगे सो देन वी प्लेस ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनिज्म ऑन स्टेज ठीक है नाउ काउंट द डिवीजन जो अभी हमने किए टेन डिविजन्स साइज ऑफ़ द स्पेसिमन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये टेन डिवीज़न यानी ये जो आपके पास आ गया इसकी टेन डिविजन्स हो गई एंड वन डिवीजन इक्वल टू वट ट्वेंटी फाइव माइक्रोमीटर तो वन डिवीजन आपके पास ट्वेंटी फाइव की इक्वल थी तो यहां आपके पास साइज पैरामीशियम का कितना आ गया कोई भी ऑब्जेक्ट इसका साइज कितना आ गया डिवीजन सिंपली तो आपने टेन को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा टू फिफ्टी सो दैट इज द रियल साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच वी हैव प्लेस्ड राइट तो ये इसका साइज हो गया नाउ अगर हम साइज वेरी करते हैं तो ये जो साइज है ये वेरी करेगा विद डिफरेंट मैग्नीफेसन और अगर हम चाहते हैं कि मज़ीद डिफरेंट हमें आ, मतलब साइज़ जो है उसका आ, मजीद मैग्नीफाई करके हम उसको देख सकें तो अगर हमने पहले तो हमने लिया था वन मिली साइज़ अब हम अगर इसका लेते हैं टेन ये आपके पास आ गया टेन इंटू टेन तो ये आपके पास मैगनीफिकेशन आ गया हंड्रेड देन हंड्रेड डिवीज़न इक्वल टू थाउजेंड माइक्रोमीटर तो वन डिवीजन किसकी इक्वल हो जाएगा ये दो ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गए तो आपके पास टेन माइक्रोमीटर अगेन आप लोगों ने क्या करना है स्टेज स्केल को रिमूव कर देना है देन उसकी जगह ऑब्जेक्ट को रखना है अब ऑब्जेक्ट को जब आपने रखा तो आई पी से आपने डिवीजन को काउंट करना है फॉर एग्जाम्पल वो सेवन आती हैं या सिक्स आती हैं तो वन डिवीजन टेन की इक्वल है तो सेवन तो कितने के इक्वल हो जाएगा तो सेवेंटी तो इस तरह आप उसको वेरी कर सकते हैं थैंक यू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो एंड शेयर विद य फ्रेंड्स और अगर आप चाहते हैं कि कोई नए टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो काइंडली कमेंट्स में सजेशन दीजिए थैंक यू अल्लाह हाफिज़